गुड आफ्टरनून बच्चों, सेंट सेवियर्स स्कूल आदिपुर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा पांचवी में विषय हिंदी में पाठ चार का अभ्यास करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी और कुछ दिखाऊंगी, ध्यान से देखिए। यह क्या है? हाँ, पानी की बोतल। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। अब मैं पूछूंगी कि इसमें क्या भरा हुआ है, तो आपने बताया पानी, और कई लोग ऐसे बताएंगे कि यह बोतल आधी पानी की भरी हुई है। कई लोग ऐसे जवाब देंगे कि यह आधी बोतल खाली है। तो इस तरह हर एक की अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो आज हम सोच अपनी अपनी पाठ का अभ्यास करेंगे। सोच अपनी अपनी, यह पाठ में मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी, आपको उसको ध्यान से देखना है और समझना है। बच्चों, चित्र को देखा ना? किसका चित्र है? हाँ, गांव का। यह गांव का चित्र है। यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ के पीछे से सूर्योदय हो चुका है, सूरज निकल आया है। पंछी घोंसले से बाहर निकलकर आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पे कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं। कितने घर है देखिए, गिनिए। एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने घर है? पांच घर है। और सारे भी है पर वो पीछे नहीं दिखाई दे रहे। घर के पीछे मंदिर है जहां लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मंदिर के पास पेड़ है। किसके पेड़ है? ध्यान से देखिए, आपको पता ही है किसका पेड़ है। हाँ, नारियल के पेड़ है। नारियल के कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं? गिनिए। एक, दो। यहाँ पे नारियल के दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक व्यक्ति जा रहा है। वो कौन है? वह किसान है जो खेत की ओर जा रहा है, और उसके पीछे एक कुत्ता भी साथ में जा रहा है। पास में एक चरवाहा दिखाई दे रहा है। चरवारा यानी गुजराती में कहिए तो गोवाड़। गायो चरावा जती अजतो, ए व्यक्ति इन्हें गोवाड़ कहवाए। चरवाहा गाय और भैंस को चराने के लिए ले जा रहा है। इस तरफ देखिए, यह चित्र में बगीचा दिखाई दे रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। इसमें दो लड़कियां हैं, वो तितलियों को पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर करके पकड़ रही है। यह लड़का भी तितली पकड़ रहा है, यानी बगीचे में बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं। तो यह गांव का चित्र हमने देखा। अब सोच अपनी अपनी। बच्चों, आज हमने चित्र पाठ सोच अपनी अपनी में गांव का दृश्य देखा, जिसमें सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया है, पंछी घोंसलों से बाहर निकलकर आसमान में उड़ रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं। कितने घर थे? पांच घर थे। घर के पीछे एक मंदिर है, मंदिर के
नारियल के वृक्ष है, रास्ते पे किसान जा रहा है, पास में सड़क पे चरवाहा अपनी गाय और भैंस लेके जा रहा है, चरवाहे के हाथ में लाठी है, दूसरी ओर बच्चे तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने सोच अपने अपनी पाठ में गांव का दृश्य देखा। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, चित्र भले एक हो पर सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अब मैं आपको स्वाध्याय लिखने दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है।